नमस्कार, आज हम मोहनजोदड़ो के विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि मोहनजोदड़ो आखिर कहाँ है और वहाँ से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई है, इसे इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो जो विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता या उसे सिंधु नदी घाटी के सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और जो सिंधु घाटी नदी घाटी सभ्यता थी एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित एक सभ्यता थी, उसी में से मोहनजोदड़ो एक आधुनिकतम नगरों में से एक था। जो आज हम लोग स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना करते हैं, जो स्मार्ट सिटी जिन जिन शहरों में भी आजकल बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, वह आज से लगभग 5000 साल पहले ही एक बसी बसाई सभ्यता और सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का विकास आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। वो एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित एवं सुदृढ़ ढंग से बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। पंजाब के सिंध प्रांत के ललकाना नामक जगह में अवस्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो चूंकि सिंधु नदी के किनारे था, इसी कारण से वहां की जो भूमि है अत्यधिक उपजाऊ थी, क्योंकि जो सिंधु नदी था, सिंधु नदी अपने साथ में अवशेषों को भी लेकर के आती थी और मोहनजोदड़ो के किनारे वो छोड़ देती थी। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण से उसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या मृतों का टीला, क्योंकि इस मोहनजोदड़ो के खुदाई से बहुत कब्रों से बहुत सारे अस्थि पंजरों या मृतकों का ढेर प्राप्त हुआ है, लोगों का ढेर प्राप्त हुआ है, इसी कारण से इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र में होने के कारण से इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो में कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त हुई है जो खुदाई करने के पश्चात, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले जो घटनाक्रम लगभग में हुआ था, उसके खुदाई के पश्चात जो 1922 में उसकी खुदाई हुई रखलदास बनर्जी के द्वारा, तो खुदाई के पश्चात बहुत सारे वहां से कुछ अवशेष प्राप्त हुए। उन अवशेषों में महत्वपूर्ण था कि 1398 मुहरे वहां से प्राप्त हुई है, साथ ही पुजारी का सिर, मोम के सांचे प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, कांसे की एक नर्तकी, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, सभागार भी हुआ करते थे, सिर का पैमाना मिला है, सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया के मुहरे, गाड़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, गाड़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा जिसे साधारणतः पुजारी भी कहा जाता है या पुजारी कहा जाता है, पुरातत्वविदों ने इसे पूरा जी पुजारी भी कहा है, और हाथी दांत की तराजू भी प्राप्त हुई है, पशुपति की मुद्रा। इसके अतिरिक्त जो बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, और यह नगर अत्यधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था, एक योजना के साथ बनाया गया था जिसमें भवन निर्माण से लेकर के उनके नगरों के हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग योजनाओं की व्यवस्था की गई थी, जिसमें नगरों के निर्माण में नालियों से लेकर के भवनों के निर्माण तक की व्यवस्था एक योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। जिस प्रकार से आज हम लोग स्मार्ट सिटी में जो हर सुख सुविधाओं की परिकल्पना करते हैं, हम लोग विचार रखते हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसी अनुसार से व्यवस्थाएं आज से करीबन 5000 साल पहले ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिली। और ये सारी चीजें कांसे की नर्तकी, सभागार, सिर का पैमाना, पानी का जहाज वगैरह के जो अवशेष हैं, ये अवशेष ये खुदाई के पश्चात प्राप्त हुए हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपने मोहनजोदड़ो के विषय में जान लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।